समाजसेवी संस्थाओं ने फॉरेस्ट चौक में लगाया धरना, एसडीएम दीपक भाटिया के खिलाफ जताया रोष। एसडीएम दीपक भाटिया व उनकी पत्नी में चल रहे विवाद के चलते आज शहर की कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने दीपक भाटिया की पत्नी के समर्थन में फॉरेस्ट चौक में रोष प्रदर्शन कर ट्रैफिक जाम किया। समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों की मांग थी कि दीपक भाटिया अपनी पत्नी और बच्चों को हिसाब दे। वहीं दूसरी ओर वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर ट्रैफिक समस्या का हल निकाला। सपना मेरा प्रेसिडेंट मुस्कान वुमन वेलफेयर सोसाइटी, आज असीं इत्थे फॉरेस्ट चौंक ते धरना ला के बैठे हाँ क्योंकि पिछले 15-20 दिनों तो एसडीएम दीपक भाटिया जी की जो वाइफ है ते बच्चा है उन्होंने घर के बाहर धरना ला के बैठे है, पर एसडीएम जी ने कोई रिस्पोंस नहीं दिता ना वो आए है। सो अस हार के असी सब एनजीओज ने मिल के इत्थे असी धरना लाया। अज असी कहने एसडीएम साहब नू कि अपनी वाइफ से 100 गल्लां बातें हो सकदियां पर उस बच्ची का की कसूर है, बच्ची नू उहदे भरावां तों क्यों दूर किया होया, उन्होंने भरावां नू उस बच्ची नू दो ताकि वह भी अपने भरावां विच रह सके। असी इत्थे धरना लाया, इस तों बाद अगर नहीं साडी सुनवाई होएगी तो एसडीएम साहब के ऑफिस के बाहर जावांगे, जे उत्थे भी नहीं होएगा तो एमएलए जिहड़े साडे अमृतसर दे आ उन्हां दे बाद धरना लावांगे। मनीषा गुलाटी वैसे तो मैं कहनी हाँ कि सुनिया तो बड़ा सी उन्हों का कि हर लेडीज़ के लिए काम करती है, पर वो ज़्यादातर रेहड़ियाँ तो कोई काम कुछ कितने होंगे उत्थे पहुँच जाते हैं पर जिथे जरूरत है उत्थे नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल जी, उन्हों की पावर है ना, ना कोई पुलिस प्रशासन बोल रहा है, ना कोई पॉलिटिक्स का बंदा बोल रहा है, ना मनीषा गुलाटी जी बह रहे हैं, उन्हों का फर्ज बनता है, मनीषा गुलाटी जी का फर्ज बनता है। इस टाइम तो उन्होंने इतने पहुँचना चाहिए सी, मैं रिक्वेस्ट करती हाँ हले भी मनीषा गुलाटी जी, मैं तो एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट करती हाँ तुम आप ही अपने घर का फैसला निपटा लो ताकि सानू इस तरह सड़कों पर तुम्हें रोलना ना पे। सर मेरा नाम डॉक्टर रोहन है, चेयरमैन एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसीएशन। कुछ दिनों तो जिहड़ा असी रोज़ ही न्यूज़पेपर दे विच ते मीडिया च देख रहे हैं कि एक जिहड़े मदर ने ते उहदे नाल एक छोटा जिहड़ा बेबी है 12 या 13 सालों की लड़की है जिहड़े अपने घर के बाहर ही सहुरे घर के बाहर जिहड़ा धरने ते बैठे हुए हैं ते इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो असी कुछ दिन पहला भी एक जिहड़ा उत्थे उन्होंने घर के बाहर जिहड़ा रोस प्रदर्शन होया सी उहदे विच भी असी जिहड़े दीपक जी ने उन्होंने रिक्वेस्ट की सीगी कि जिहड़ा मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट है जिहड़ा तुहाडा कोर्ट दे विच जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि लगा होया एक अलग इशू है, बट जिहड़ा छोटे बच्चे दे नाल इंसाफ जिहड़ा वो होना चाहीदा वा, उहनूं अपने घर लै के जाण, बच्ची नूं इंसाफ जरूर मिले। उहदा कारण की है कि पेरेंट्स दे जिहड़ी आपस दे जिहड़ा डिस्प्यूट हैगा या मिसअंडरसटैंडिंग हैगी है उहदे विच जिहड़े बच्चे नूं भी कदी भी खज्जल खराब नहीं होना होण देना चाहीदा, चाहे गलती माँ की है चाहे प्यो की है, बट बच्चे का हमेशा ही जिहड़ा फिक्र जिहड़ा प्यो नूं करना चाहीदा वा। जे मदर उहनां दे नाल ने ते फादर नूं भी तरीके दे नाल बच्चा सहमति चाहुंदा वा उस तरीके की सहमति वो बच्चे नूं मिलनी चाहीदी। सर अज तुसीं देख लिया काफ़ी तिखा जिहड़ा संघर्ष असीं शुरू किया, साडे नाल बहुत सारिया जथेबंदियां जिहड़ियां जुड़ चुकियां ने, मुस्कान जिहड़े वेलफेयर एसोसीएशन के मैडम ने जिहड़े फीमेल्स दे वास्ते काफ़ी अगे फाइट कर रहे हैं राइट्स वास्ते, बहुत सारिया संस्थावां सुभाष जी ने इस मुद्दे नूं बहुत दिनों तो चुकिया होया सीगा ते उन्होंने सारिया संस्थावां नूं ही अपील की है, बहुत सारिया संस्थावां आ रही ने, होर भी कुछ पार्टी के बंदे भी आ रहे हैं ते इस तरीके दे नाल जिहड़ा वा असी संघर्ष जिहड़ा होर तेज होएगा। एक एसडीएम साहब के खिलाफ उन्होंने वाइफ ने जो धरना दिता उन्हें एनजीओ सहयोग ने अं ला एंड आर्डर मेनटेन रख लिए इतने मौजूद हैं, ट्रैफिक ने डिवर्ट कर दी है, साड़ी यो ड्यूटी आँदी है। ट्रैफिक ने डिवर्ट करती जी पिछले ट्रैफिक डिवर्ट करती सारी ट्रैफिक चल रही है। देखो जे अपने जेडे थाने इनकुआरी चल रही है वो उन्होंने काम है जो इन्वेस्टिगेशन करना उन्होंने साफ देना, साडा काम से चौंक चो ट्रैफिक डिवर्ट करनी है डिवर्ट करती है।